अभी अभी जस्ट मेरे को पैर में एक मधुमक्खी ने काट लिया है गाइस, और मैंने उसको फटाफट से कांटे को बाहर निकाल दिया और मधुमक्खी को भी बाहर फेंक दिया है। जय बाबा की मौसी जी। आज देखो गाइस, मौसी भी बाहर मिली है और मौसी भी मौसम का आनंद ले रही है। ये देखिए गाइस, मेरी स्कूटी इधर खड़ी है हमारे घर के बाहर, और ये जो गली तोड़ने का काम था वो यहाँ तक आ गया है, मतलब यहाँ तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोरू के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज मैं हूँ गोरू, आशा करता हूँ गाइज आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब खूब बढ़िया से अपने इस सीजन को, मतलब अपने इस मानसून को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, हो चुकी है अपने दिन की शुरुआत बाबा जी के, भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। और गाइज अभी एक दो दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं डल रहा क्योंकि गाइज मतलब लाइफ थोड़ी सी अप डाउन नहीं चल रही है, बट थोड़ा सा हमारा जो जॉब है, हमारा जो काम है, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइमिंग में इशू आ रहे हैं क्योंकि ड्यूटी थोड़ा सा हो गई है चेंज और लाइफ में थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। तो अभी आज की भी शुरुआत हमारी मतलब मॉर्निंग में हो गई है, और अभी सैटरडे है तो डेफिनेटली आज मंदिर जाना है और थोड़ा सा आपको मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना आपसे बात हो रही है ना वीडियो बन रहा है, और हम मंदिर भी काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो फटाफट से मंदिर होकर आ जाते हैं। और यहाँ से हम अपना प्रसाद भी ले लेते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। और अभी अभी जस्ट मेरे को पैर में एक मधुमक्खी ने काट लिया है गाइस, और मैंने उसको फटाफट से कांटे को बाहर निकाल दिया और मधुमक्खी को भी बाहर फेंक दिया है। और आइडियली वो मैंने उसे जब बाहर फेंका तो मेरी चप्पल पर ना हो, नहीं गाइस वो मेरी चप्पल पर तो नहीं है, लेकिन ये देखो ये रही वो मधुमक्खी, इसने मुझे काट लिया पैर पे आज। तो चलते हैं गाइस मंदिर की तरफ। और ये बैठे हैं अंकित। हेलो अंकित। हेलो भाभी, गुड मॉर्निंग। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। ओ गाइस, आज तो गली बन रही है। राधा राम राम। ये देखे हमारे संस्कार, लेकिन गाइस यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है, हम दूसरी गली। जय बाबा की मौसी जी। आज देखो गाइस, मौसी भी बाहर मिली है और मौसी भी मौसम का आनंद ले रही है। छुट्टी है ना, ये गाड़ी लगा के जियो कहीं। गाइस मैं दादाजी ने वापस बुलाया। हाँ जी, ये देखो गाइस हमारी गली बनना स्टार्ट हो गई है, और इसमें दादाजी का क्या कहना है, पत्थर उठाने नहीं आ रहे। तो अभी तो गली बनी है कि कल तो शायद टूटना चालू हुई है, तो फिर पत्थर भी उठेंगे। ये अब बनना जैसा स्टार्ट हुई है गाइस, तो अभी ये पत्थर भी उठेंगे, इसका भी दोबारा से रिपेयर हो रही है गली, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन ये बस जल्दी काम हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है, इनको खड़ी करने की फिर और दूसरी जगह पे फैसिलिटी नहीं है, तो मतलब गली बनना जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। तो चलिए गाइस हम दूसरी गली से जा रहे हैं, और शायद इधर भी अब गली बनने का काम स्टार्ट हो गया है। गलियाँ अब तो सारी बन रही है, लेकिन बस मैं तो ये चाहता हूँ कि गलियाँ जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि सभी गलियों में गाड़ियाँ खड़ी होने करने की फैसिलिटी फिर हो जाएगी, अदरवाइज सबको प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। Oh,
सो गाइज आ चुका हूँ घर पे, माता रानी जी के खूब अच्छे सुबह सुबह दर्शन हो गए, सबसे अच्छी बात है। और आई रियली हो गाइज, आप लोगों ने भी खूब अच्छे से दर्शन किए होंगे। तो चलिए अब अपना ड्यूटी का भी टाइम हो चुका है, मैं अब जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। और मुझे अपना फ़ोन भी आज बैटरी लगाना है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने अपना फ़ोन बैटरी लगाना भूल गया और अब इसमें बैटरी पावर कम है, क्योंकि मैं ड्यूटी पर चार्जर नहीं लेके जाता हूँ। तो इसलिए मेरा घर से ही चार्ज लगा कर, मतलब फुल बैटरी करके ले जाना जरूरी है। हालांकि सारे दिन में बैटरी कम हो जाती है और मुझे वहाँ पर भी लेके जाना चाहिए, लेकिन मैं चार्जर नहीं लेके जाता हूँ। तो अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ, अपना कर लेते ब्रेकफास्ट। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइज अभी अभी जस्ट मैं अपनी गली में एंट्री की है और मैं घर पे आ गया हूँ। और ये देखिए हमारी जो गली बन रही थी वो कहाँ तक, मतलब प्रोग्रेस हुआ है वो। ये देखिए गाइज मेरी स्कूटी इधर खड़ी है हमारे घर के बाहर, और ये जो गली तोड़ने का काम था वो यहाँ तक आ गया है, मतलब यहाँ तक मेरी गली टूट चुकी है। अब हमारा शायद कल नंबर आ जाएगा घर के बाहर से तोड़ने वाला वहाँ तक। और ये देखिए, अरे गाइज मेरे बड़े पापा जी, हेलो करो। और ये मिलिए गंजी से, गंजी हेलो करो, हाय गाइज, हाय गाइज करो, हाय गाइज बोलो। तो गाइज आ गए घर पे और इधर मम्मी करने में लगी है सफाई, क्योंकि बाबा जी की सेवा का टाइम हो गया है। तो इतना मम्मी सफाई करेगी, इतना मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ और पी लेते हैं अपनी एक कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बाहर से आके थोड़ी सी थकावट हो जाती है, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। तो मम्मी कर रही है इधर सफाई, लेके बैठे पोछा, और अब हम चलते हैं ऊपर। और ये देखो गाइस ये कितना दिमाग ख़राब कर रही, बाहर खड़ी हो गई। हाँ हाँ, कहाँ पे? माता पे? कौन सी वाली? कौन सी माता पे? सो गाइज आ गया हूँ मैं छत पे, अपने पौधों में पानी डाल लेते हैं, क्योंकि अब चाय फटाफट से फिनिश करने के बाद मैं फटाफट से छत पर आया हूँ, क्योंकि बाबा जी की सेवा का समय हो रहा है और मतलब समय रहते ही अपनी सेवा कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। अभी मैं पाइप भी लेकर आ गया हूँ और हम फटाफट से पाइप लगा लेते हैं और पौधों में अपना पानी डाल लेते हैं। छत तकरीबन साफ ही है, तो इतना छत पर सफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल भी थोड़ी सी सफाई मैंने कर दी थी। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अपने पौधों में पानी लगाना। तो ठीक है, डाल लेते हैं पानी और फिर चलते हैं फटाफट से नीचे, क्योंकि नहाना भी है। और इधर ये बाल्टी भी भरी हुई है, इसको भी यूज़ कर लेंगे अभी, क्योंकि पानी इकट्ठा नहीं करके रखना चाहिए, पानी को इकट्ठा करने से उसमें मच्छर वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अब बरसात होने लगी है तो मच्छर होने के अब पूरे पूरे आसार हैं। तो इसलिए इस बाल्टी को जल्दी से ख़त्म कर लेंगे और यहाँ से हमारा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए गाइस एक छिपकली, और ये छिपकली अभी मैं इस वाले पौधे में पानी डाल रहा था तो एकदम से वो भाग के ऐसे यहाँ पर गई, यानी कि ये इसमें आराम से बैठी थी अपना ठंडे ठंडे में पौधों की छांव में। सो गाइस हो चुकी है शाम, और हो चुकी है अपने शाम के बाबा जी की भी सेवा। तो चलिए अब अपना काम भी वीडियो एडिटिंग का स्टार्ट हो गया, लेकिन बाहर कुछ महिला मंडल अपना दल बना कर बैठे हैं, जिसमें इंक्लूड मेरी मम्मी भी है। और वो गली जो बन रही है ना अपनी, उस गली के बाहर बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम भी वहाँ का वीडियो बना लेते हैं और देखते हैं कि बाहर बात क्या हो रही है। उससे पहले ये अपना तुलसादीप जी रख देते हैं अपना। अरे देखो कौन है, गंजू गोले गोले, ये देखो मेरे चश्मा देख के, चश्मे देख के रोने लगी।
गोले हेलो करो, हेलो। ओ एक और गंजी आई, गंजी आएगा इस कर गंजी। किस चीज का? तो गाइस वो छोटी बच्ची गंजी मेरे चश्मे को देख के हमेशा डर जाती है, हमेशा मुझे देख के रोती रहती है, क्योंकि वो पता नहीं मेरे चश्मे पे क्या। उसका भाई जब छोटा था ना, वो भी मेरे चश्मे को देख के बहुत डरता था। तो ठीक है गाइस, अब अपनी वीडियो को भी करते हैं क्लोज, लेते हैं आपसे विदा। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार और सुझाव लिखकर मुझे ज़रूर भेजें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, छोटों के साथ प्रेम से रहें और प्रेम से ही मेरे साथ कहें राधे राधे, राधे।